Good morning, children. Today we will read from the computer book, The Brain Game. This is your book, okay? And now we will read the first chapter and we'll do the exercise also. The first chapter is the computer. I hope you must have seen computer somewhere at home also. या फिर आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, है ना? दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर. ओके, नाउ आई एम रीडिंग. दिस इज़ द स्टोरी. टुडे इज सनीज बर्थडे. हिज पेरेंट्स हैव ब्रॉट अ कंप्यूटर एज हिज बर्थडे गिफ्ट. आज सनी का बर्थडे, तो उसकी मम्मा और उसके पापा ने उसके लिए क्या लाया है बर्थडे गिफ्ट में? कंप्यूटर. सनी इज़ वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट हिज कंप्यूटर. सनी को बहुत एक्साइटमेंट है कि उसको कंप्यूटर सीखने को मिलेगा. ही आस्क्ड हर मदर, हिज मदर, व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड व्हाट कैन आई डू ऑन इट. उसने पूछा मम्मा से कि ये कंप्यूटर क्या होता है और इस पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ. हिज मदर सेड, अ कंप्यूटर इज अ मशीन. इट हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, ड्रॉ पिक्चर्स एंड डू मैनी मोर थिंग्स. आप उस पर, एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है और उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं? गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम टर्निंग द पेज. ऑन द पेज नंबर 2, द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स. ये कंप्यूटर सिस्टम है पूरा. इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? दिस इज़ द मॉनिटर. इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. ओके, दिस इज़ अ कंप्यूटर विद इट्स मेन पार्ट्स. ये उसके मेन पार्ट्स हैं. ठीक है, दिस इज़ मॉनिटर. दिस इज़ कॉल्ड सीपीयू. ये सीपीयू जो होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड माउस. दिस इज़ कीबोर्ड एंड दीज आर द स्पीकर्स. In a computer, all parts work together to help it perform a task. ये एक दूसरे को help करते हैं ताकि वो जो हमने task दिया है वो उसको perform कर सके. More about computer parts. Let us learn about the functions of the various parts of a computer. अब हम देखते हैं इसके various जो parts हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या काम है. Monitor. The monitor has a screen in front. इसमें सामने स्क्रीन होती है, जैसे टीवी में स्क्रीन होती है, है ना? नाउ द मॉनिटर शोज द वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर. जो कुछ भी हम टाइप करते हैं या जो कुछ भी हम काम करते हैं उसका वो कहाँ दिखता है हमको? मॉनिटर के स्क्रीन पे. अब इसमें सजेशन है, टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द मॉनिटर, ऑलवेज वाइप इट विद अ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ. कभी भी गीले कपड़े से और रफ किसी कपड़े से हमको इसको क्लीन नहीं करना है. हमको इसको किससे क्लीन करना है, वाइप कैसे करना है? किसी भी सॉफ्ट और ड्राई क्लोथ से. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द नेक्स्ट पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल लर्न अबाउट कीबोर्ड. दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं. ओके, अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर. इसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि हमको क्या करना है. द कीबोर्ड हैज़ कीज ऑन विच अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी वॉट एवर, देन नंबर्स 1, 2, 3 एंड साइंस. साइंस मीन्स सिम्बल्स होते हैं कुछ, एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, एंड का साइन है, आर प्रिंटेड. उसकी कीज के ऊपर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ प्रिंट है, होता है. ठीक है, आई शो यू द रियल कंप्यूटर विद देयर पार्ट्स. एन इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो पता, उससे पता चलता है कंप्यूटर को क्या करना है. देन द सजेशन, टीचर शुड एक्सप्लेन द प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज टाइपिंग. अब जब हम इसको कीज़ को जब हम प्रेस करके कुछ कर प्रेस करते हैं तो उस चीज़ को हम टाइपिंग बोलते हैं. ओके, और एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स शुड लर्न टू प्रेस कीज़ जेंटली.
उस पे जो कीज़ होती है उनको बहुत जेंटली प्रेस करना होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना होता है, ठीक है। आई विल शो इट टू यू आफ्टरवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU, ओके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज CPU। CPU इज लाइक द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। आपकी बॉडी में भी आपका एक ब्रेन है ना, जो भी आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, है ना, वो सब, या कोई आप किसी से आप कुछ बात करते हो, वो सारा आपके ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। एज इट इज़, इसमें जो भी हम टाइप करते हैं या जो कोई भी हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, वो इसी में स्टोर होता है। इट इज़ इनसाइड द CPU कैबिनेट। ये होता है CPU और ये इस कैबिनेट के अंदर होता है। ये क्या है? ये कैबिनेट है, ठीक है, और इसके अंदर ये CPU होता है। नाउ वी विल सी द सजेशंस। टीचर में इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द अदर कंपोनेंट्स लाइक मेमोरी, मदरबोर्ड एट्सेट्रा दैट लाई इनसाइड द कंप्यूटर CPU कैबिनेट। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है ना, और एक मेमोरी भी होती है इसमें, इसकी मेमोरी भी होती है जिसमें वो याद रख पाते हैं, ठीक है। हम नहीं याद रख पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कंप्यूटर याद रख लेता है। नाउ आई एम टर्निंग द पेज। नाउ वी विल लर्न अबाउट माउस। इसको माउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है वो एक माउस के जैसा है, ठीक है। जस्ट एज यू पॉइंट एट समथिंग यूजिंग योर फिंगर, द माउस इज यूज टू पॉइंट आउट पॉइंट एट द कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग द माउस पॉइंटर। जैसे हम अभी जैसे हम रीड कर रहे हैं तो हम इंडेक्स फिंगर से हम पॉइंट कर रहे हैं ना वर्ड्स को। एज इट इज जो कंप्यूटर में जो ये माउस होता है, इसके ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये जो होता है ना, इसका यूज होता है कि माउस को, ये जो इसका जो पॉइंटर होता है, इसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। माउस इज यूज टू पॉइंट टू द स्क्रीन एंड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। इसका यूज़ स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए और कंप्यूटर पे काम करने के लिए होता है। सजेशन है, टीचर शुड शो एंड टेल द पर्पस ऑफ लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड स्क्रोल व्हील। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है लेफ्ट माउस बटन, एक होता है राइट माउस बटन और एक होता है स्क्रोल व्हील, है ना। तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, दैट आई विल शो यू। स्पीकर्स, स्पीकर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर की वजह से हम साउंड सुन पाते हैं, जो भी कंप्यूटर से आवाज़ आती है। दे आर अटैच्ड टू द CPU कैबिनेट। जो भी हमने CPU कैबिनेट देखा था, उसके अंदर उसको अटैच कर सकते हैं। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स दैट यू प्ले ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर्स का यूज़ होता है, हम कोई भी सॉन्ग वगैरह जो या म्यूजिक कुछ भी हम सुन सकते हैं जो कंप्यूटर पे हम प्ले कर रहे हैं। देखो सनी सुन रहा है यहाँ पे, वाओ नाउ आई कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज ऑन कंप्यूटर। और ये है स्पीकर, ये स्पीकर की वजह से उसको आवाज़ आ रही है, जो भी मूवी देख रहा है या कुछ भी म्यूजिक सुन रहा है। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। द फर्स्ट इज अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्या स्पेशलिटी है वो बता रहे हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अगर लाइट नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। समबडी प्लीज़ प्लग मी इन, देखो वो बोल रहा है कि मुझे प्लीज़ प्लग लगाओ। अगर आप स्विच ऑन नहीं करोगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, माई कंप्यूटर हेल्प्स मी टू फिनिश ड्राइंग सम्स एंड होमवर्क वेरी फास्ट। देखो वो बच्ची कंप्यूटर पे वर्क कर रही है, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रही है और ड्राइंग भी कर रही है, ठीक है। कंप्यूटर जल्दी काम करता है ना। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय यू। जो भी कमांड हम देते हैं, कमांड मींस जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो वही काम करता है, ठीक है। आई गेव अ कमांड टू ड्रॉ अ स्टार, उस बच्चे ने स्टार बनाने को बोला कंप्यूटर को और उसने बना दिया।
द कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी टू स्टोर योर कंप्यूटर वर्क. इसमें इसकी मेमोरी होती है जिसमें आपका जो भी वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है. ऑल योर ड्राइंग्स एंड लेटर्स आर स्टोर्ड इन दिस सीडी. सीडी तो देखी होगी आपने, सीडी डीवीडी. इसमें हम ये सारे जो भी डाटा है हम स्टोर कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर्स एज डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. ओके, अब साइज के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप मीन्स जो डेस्क पे रखा जाता है. ठीक है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज लार्ज इनफ टू बी प्लेस्ड ऑन योर डेस्क. इतना बड़ा होता है कि उसको हमको डेस्क पे रखना पड़ता है. ठीक है, इसलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं. लैपटॉप. लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरीड एनी वेयर यू गो. लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि कहीं पे भी ले जा सकते हैं. वो पोर्टेबल होता है, छोटा होता है इस कंप्यूटर से, और उसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हो. और स्पेशली इसको लैपटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको अपनी लैप पे रख के वर्क कर सकते हैं. लैप मीन्स हम अपनी गोद में रख के भी काम कर सकते हैं. ठीक है, देन टैबलेट. टैबलेट्स आर वेरी स्मॉल टच बेस्ड कंप्यूटर्स विच कैन फिट इनटू योर हैंड लाइक आईपैड एटसेट्रा. टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो और छोटा होता है. आपके घर में सबके पास मोबाइल फ़ोन्स तो होंगे, आपके मम्मी पापा के पास, किसी न किसी के पास. तो मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उससे बड़ा साइज़ होता है उसका. ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसको टैबलेट कंप्यूटर बोलते हैं. और ये आपके पूरे हैंड में आ जाता है इजीली. ठीक है, नाउ टर्निंग द पेज. ऑन दिस पेज एंड द नेक्स्ट पेज देर आर सम वर्कशीट्स दैट यू हैव टू कम्प्लीट योर ओन. ओके, इसमें आपको ये ट्रेस करना है और ये जो पिक्चर है इसको कम्प्लीट करना है एंड देन कलर करना है. और नेक्स्ट जो है इसमें आपको जो माउस है एक बना के बताया है, ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पे बनाना है और कलर करना है. ठीक है, ऑन दिस पेज वॉट यू हैव टू डू इज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो अपियर इन द वर्ड पाथ शोन ऑन द राइट. फाइंड देम बाय कलरिंग द रिक्वायर्ड बॉक्सेस. आपको इसमें से ये जो वर्ड्स है ना इनको बनाना है इसके अंदर और फिर उनको कलर करना है. ठीक है, देन कलर द सेम काइंड ऑफ बलून्स यूजिंग द सेम कलर. आपको पहले तो देखना है कि सेम वर्ड किस बलून में लिखा है, और जैसे आपने इसमें अगर रेड कलर किया है तो उसमें भी फिर रेड कलर ही करोगे. ठीक है, सेम कलर रहेंगे फिर दोनों बलून्स के. ठीक है, दिस इज़ द HLA फॉर यू. ओके, आई विल मीट यू अगेन. थैंक यू.